हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। आज हम एचटीएमएल के बारे में पढ़ेंगे कि एचटीएमएल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, टैग क्या होते हैं, एचटीएमएल में टैग कैसे यूज होते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। HTML क्या होता है? HTML की सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज जो हम www मींस वर्ल्ड वाइड वेब के वेब पेजेस बनाने के लिए यूज करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? HTML लैंग्वेज। जो हमें वेब पेजेस शो होते हैं उनके पीछे जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी HTML लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज जो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उनको क्रिएट करने के काम आते हैं। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी के बारे में कि इसमें जो हम ब्लॉक यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए HTML का, जब हम ब्लॉक लिखते हैं वो हम यूज करते हैं इसमें टैग। प्रोग्राम लिखने के लिए, मार्कअप लैंग्वेज लिखने के लिए जो हम ब्लॉक यूज करते हैं उसे कहते हैं हम टैग्स, जो कि हमारा अपीयर होता है वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद HTML जो यूज होता है वो हमारा हाइपरलिंक करने के लिए होता है। हाइपरलिंक इन द सेंस कोई भी एक ऐसा लिंक, लाइक हम उसमें कोई फोटो अटैच नहीं करते अपने HTML में, ना हम कोई साउंड, ना कोई हम दूसरी वेबसाइट का लिंक डालते हैं, हम डायरेक्ट हाइपरलिंक डालते हैं। हाइपरलिंक का मतलब कोई a.org.ac ऐसे कोई हमने वैल्यू लिख दी, अब इसके नीचे क्या आता है? अंडरलाइन आ गया और आप इसको जब क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। अगर आपने कोई भी इमेज एंटर की है तो उसका पूरा पाथ आप लिखते हो, पाथ आपने लिख दिया, जब वो वेब पेजेस में ओपन होगा उस टाइम वो ऑटोमेटिकली उस पाथ से उस इमेज को उठाकर वेब पेजेस पर शो कर देगा। आपको डायरेक्टली कोई इमेज दिखानी नहीं पड़ती, उसका पूरा पाथ, कोई भी लिंक डाल रहे हो तो उसका पूरा लिंक डालना पड़ता है, ठीक है। तो जो HTML है वो मोस्टली यूज करते हैं हम हाइपर टेक्स्ट के लिए, हाइपर लिंक्स के लिए, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग हो टेक्स्ट की या कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई साउंड। इसके बाद आती है HTML में जो फाइल्स व्यू होती है वो होती है वेब ब्राउजर पर, मेनली इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर नेटस्केप नेविगेटर हम यूज करते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नोटपैड में लिखा HTML प्रोग्राम के अंदर और जब उसको आप सेव करके ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक बार वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होगा। इसके बाद HTML में क्या कहता है? हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विद क्रॉस रेफरेंस लिंक। मतलब क्रॉस रेफरेंस लिंक्स का मतलब होता है इसमें लिंक बने होते हैं छोटे छोटे, जिस पर क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज को ओपन कर सकते हो, किसी इमेज को ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट इसमें कोई इमेज, डायरेक्ट कोई लिंक ऐड नहीं कर सकते, कोई वीडियो लगा नहीं सकते। इसके बाद हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज होती क्या है? ये कनेक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से। हाइपरलिंक के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, एक वेब पेज का दूसरे वेब पेज से कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मार्कअप लैंग्वेज है वो एक राइटिंग लेआउट होता है। कैसा राइटिंग लेआउट? राइटिंग लेआउट इन्फॉर्मेटिव विद द डॉक्यूमेंट। इसमें आप लिख सकते हो कोई भी चीज को अपनी लैंग्वेज में, जो इसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है उस लैंग्वेज में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होगी। तो ये था हमारा सारा HTML का इंट्रोडक्शन कि HTML एक हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज होती है, इसमें हम हाइपरलिंक्स यूज करते हैं, इसमें हम टैग यूज करते हैं, ये एक राइटिंग लेआउट होता है हमारा। अब बात आती है इसमें, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हम टैग यूज करते हैं, हम टैग यूज करते हैं। तो टैग क्या होता है? देखिए, आप जब HTML लैंग्वेज लिखते हैं, HTML का प्रोग्राम, तो हम यूज करते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स।
अगर इसको क्लोज करना है तो कुछ ऐसे, किसी चीज को बोल्ड लिखना है, बोल्ड टैग को बंद करना है, ये होते हैं हमारे टैग। इस तरह से जो आप यूज करते हो ये होते हैं हमारे टैग। तो टैग क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं कि हाउ कंटेंट ऑन अ वेब पेज इज शो, कि वेब पेज पे कंटेंट कैसा लुक देगा, कैसे शो होगा, उसको अंदर जो हम लिखते हैं वो कहलाते हैं टैग। जैसे कि एक कोई भी टैग स्टार्ट हुआ यहाँ से करते हैं, लाइक मैंने यहाँ लिख दिया बी, बी का मतलब होता है बोल्ड। तो अगर आप बी लिखते हो हेलो और इस टैग को क्लोज कर दिया, तो हेलो जो आपका वेब ब्राउजर पर लिखा आएगा वो बोल्ड लैंग्वेज में होगा, डार्क होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको इटालिक लिखना है तो आई लिखिए। इसी तरह से हर चीज का एक HTML में सिंटैक्स होता है, जैसे बैकग्राउंड का कलर देना है तो बीजी कलर, फॉन्ट कलर यूज करना है तो फॉन्ट कलर, इस तरह से अलग अलग टैग आपके यूज होते हैं। तो आई होप आपको HTML का इंट्रोडक्शन, HTML में हम टैग्स क्या होते हैं, किस तरह के टैग यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया हो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।